नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि लोअर पीसीएस की डेट जो है लगातार करीब आ रही है, और मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की थी कि अब रिवीजन का समय है, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए और पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़िए। कुछ लोगों ने एक प्रश्न ये भी पूछा था कि सर क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपने प्री और मेंस के दोनों के सिलेबस देखे हुए हैं। मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है कि कठिनाई का स्तर जो है कुछ ज़्यादा होगा, तो इससे जो है एक स्पष्ट संकेत ये मिलता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन इसके नहीं आने वाले हैं। अभी जो 2016 वाला लोअर जो 28 जुलाई को संपन्न हुआ है, उसका पेपर एक बार जरूर देख लीजिए एक नज़र, लगभग उस तरह का जो है पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है जो है क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो एक टॉपिक होता है खगोल की, यानी खगोल विज्ञान, जिसमें पृथ्वी का और सभी संबंधित ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जीके सेक्शन में एक आध क्वेश्चन इससे जो है प्रायः पूछ लिया जाता है, और इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि ये हम लोग रिवीजन की सीरीज पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस को इसमें पढ़ लेंगे हम लोग। और आप मात्र जो है इस वीडियो को लगातार देखेंगे और एक बार और जो है इसको देख के रिवाइज कर लेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें 80% से ज़्यादा चीज़ें आपको पहले से पता होंगी अगर आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? एबे जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दी गई थी। इसी तरह से सतत सृष्टि का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में स्टेडी स्टेट थ्योरी के नाम से जानते हैं, ये गोल्ड एंड बॉन्डी, इनका पूरा नाम थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी के द्वारा जो है दिया गया सिद्धांत था। दोलन सिद्धांत, ये भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ही है। तो पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा दिया गया था। इनसे क्वेश्चन आएंगे तो सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास, बहुत ही फेमस पुस्तक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसके द्वारा लिखी गई है? स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स में, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। आधुनिक खगोल शास्त्र यानी आधुनिक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का जनक किसको माना जाता है? कॉपरनिकस को जो है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का जनक माना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये एक प्रश्न है जिसका आज भी उत्तर खोजा जा रहा है, लेकिन जो है एक कॉमन थ्योरी है कि 15 अरब वर्ष पूर्व जो है ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई थी, लेकिन जो अभी नवीनतम साक्ष्य मिले हैं गुरुत्वीय तुरंगे और बाकी जो है खासकर बिग बैंग थ्योरी ने जो सजेस्ट किया है उसके अनुसार 13.7 अरब वर्ष पहले जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था? तो सौर मंडल का निर्माण जो है 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो स्फीति सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये अलन गुथ ने दिया था 1980 में। औरत प्रकाश जो है इंस्पैक्ट्स के खोजकर्ता कौन थे? विलियम हर्सेल। अल्ट्रावायलेट यानी यूवी के खोजकर्ता, यूवी लाइट के खोजकर्ता कौन थे? जॉन रिटर के द्वारा ये खोजा गया था। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने जो है बताया था कि ब्रह्मांड का लगातार प्रसार हो रहा है, तो इसी प्रसार सिद्धांत को या विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं एडविन हब्बल। हब्बल स्थिरांक किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड के प्रसार से संबंधित है जो उन्होंने दिया था। बिग बैंग थ्योरी की समीक्षा किसने की थी? तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने तो उसको उसकी खोज की थी, लेकिन बिग बैंग थ्योरी को जो आगे उसकी समीक्षा की प्रस्तुत की थी वो रॉबर्ट बैगनर या रॉबर्ट बोगोनर द्वारा 1967 में की गई थी।
ब्रह्मांड के बृहद बनावट का अध्ययन वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसको ब्रह्मांड का विज्ञान या ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन है? पॉजिट्रॉन का आविष्कार किया था सीडी एंडरसन ने, पॉजिट्रॉन का आविष्कार किया था। ब्रह्मांड का 96% भाग डार्क मैटर है। यह शोध किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो डार्क मैटर थ्योरी जो है अभी बहुत पुरानी नहीं है, रिसेंट थ्योरी है। तो डार्क मैटर जो है थ्योरी, ये जेम्स वाटसन क्रेनी ने दी थी, जो उनको भौतिकी का नोबेल मिला था 1980 में। संपूर्ण कॉस्मिक एनर्जी बराबर 73% डार्क एनर्जी होती है, यानी जितनी भी कॉस्मिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसमें 73% डार्क एनर्जी होती है और 23% क्या होता है, डार्क मैटर होता है। यही जो है थ्योरी जो है जेम्स वाटसन के द्वारा प्रपोज की गई थी। रहस्यमय डार्क मैटर का 3D नक्शा तैयार करने में किसको सफलता मिली है? तो डार्क मैटर का जो 3D नक्शा तैयार किया है वो रिचर्ड मैसी के द्वारा किया गया है। बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि के लिए कौन सा कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो बिग बैंग थ्योरी के लिए मैप नामक एक आर्टिफिशियल उपग्रह भेजा गया था। मैप का एक्चुअल में फुल फॉर्म पूछा गया था, तो मैप का क्या है, माइक्रोवेव एंटी स्टॉपरी प्रोब। ये नासा के द्वारा 30 जून 2001 को भेजा गया था। ब्रह्मांड को गणितीय स्वरूप को कैसे समझा जाता है? तो जो ब्रह्मांड का गणितीय स्वरूप है वो सापेक्षिता के सिद्धांत पर, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर समझा जा सकता है। अब इसकी बात चली है तो ये सिद्धांत किसने दिया है? आप जानते हैं ये सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने ये सिद्धांत 1916 में प्रस्तुत किया गया था। फोटॉन क्या होते हैं? फोटॉन जो है प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम या बंडल्स होते हैं। सर्वप्रथम टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो सबसे पहला टेलीस्कोप जो है विश्व में बनाया था गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में। सापेक्षिता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी पिंड की लंबाई क्या होगी? तो E=mc² इससे रिलेटेड है सूत्र। तो अगर कोई जो है प्रकाश के वेग से कोई भी पिंड गतिमान है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि वो इनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो उसका द्रव्यमान जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। पदार्थ यानी प्रकाश और ऊर्जा की उत्पत्ति अंतरिक्ष काल में किसके कारण होती है? तो अंतरिक्ष काल में या स्पेस टाइम में वक्रता के कारण, क्योंकि वक्रता जो है अंतरिक्ष का एक जो है मेन फीचर है जिसपे आधुनिक रिसर्च इस समय रिलाई कर रही है, तो ये वक्रता के कारण होता है। वक्रता की प्रायोगिक जांच हेतु नासा के द्वारा कौन सा उपग्रह भेजा गया था? ग्रेविटी प्रोब बी। ये नासा के द्वारा अंतरिक्ष की वक्रता के बारे में जाँच करने के लिए भेजा गया उपग्रह था। गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व अंतरिक्ष में किसके कारण होता है? तो अंतरिक्ष में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है विभिन्न पिंडों के बीच में, और उसके अलावा ग्रेविटेशनल वेव्स भी पाई जाती हैं अंतरिक्ष में, तो उसका अस्तित्व जो है वक्रता के कारण ही अंतरिक्ष में होता है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर द्वारा खोजा गया सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है? तो बहुत ज़्यादा चर्चा में ये था, हिग्स बोसान गॉड पार्टिकल इसका नाम दिया गया था, जो कि पीटर हिग्स और बोसान, इसमें कौन है, सत्येंद्रनाथ बोस जो भारतीय हैं, तो उनसे बोसान लगा दिया गया और पीटर हिग्स से हिग्स दे दिया गया, तो इसका नाम पड़ गया हिग्स बोसान गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल नाम दिया था किसने, लियोन लेडरमैन के द्वारा गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया था, और ये जो है कौन है, नोबेल पुरस्कार विजेता, उनको इसी खोज के लिए नोबेल मिला था, लियोन लेडरमैन को। LCH क्या होता है, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर मशीन, ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये जेनेवा में UAR के द्वारा स्थापित हुई थी, जो अंडरग्राउंड स्थापित की गई थी, और बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी।
सर्वप्रथम जड़त्व का नियम विचार किसने दिया था? तो जड़त्व के नियम का विचार यानी ला ऑफ इनर्सिया जो है, सबसे पहले जो है विचार इसका जो है गैलीलियो ने दिया था। नवीन खगोल शास्त्र यानी न्यू कॉस्मोलॉजी के जनक किसको माना जाता है? जॉन कैपलर को माना जाता है, जिन्होंने प्रसिद्ध जो है ग्रहों की गति का सिद्धांत भी दिया है। गौण अंतरिक्ष किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गौण अंतरिक्ष किरणों की खोज जो है मिल्कन के द्वारा 1925 ईस्वी में की गई थी। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको AU कहते हैं, ये कितने के बराबर होता है? तो ये जो है 93 मिलियन माइल्स के बराबर होता है, और सूर्य तथा जो पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर ये होता है। पार्सेक क्या होता है? तो आप पार्सेक जानते हैं कि ये ब्रह्मांडीय दूरी को नापने की जो है इकाई है, और एक पार्सेक बराबर क्या होता है? 3/26 प्रकाश वर्ष। न्यूट्रिनो की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? न्यूट्रिनो की अवधारणा सर्वप्रथम वोल्फगैंग पाउली द्वारा 1930 में प्रस्तुत की गई थी। न्यूट्रिनो की व्याख्या किसने की थी? तो न्यूट्रिनो क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। खोज की थी पाउली ने और इसकी व्याख्या की थी एनरिको फर्मी ने 1934 में। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला ये कहाँ पर स्थापित है? तो भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला तमिलनाडु के थेनी जिला में, थेनी नामक जिला है तमिलनाडु में, वहाँ पर ये स्थापित किया गया है। सोलर नेबुला थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई थी? तो सोलर नेबुला थ्योरी यानी सूर्य की उत्पत्ति नेबुला से हुई है, निहारिका से हुई है, ये थ्योरी दी थी GP कुपियर ने। कोबो मिशन या कोबो योजना किससे संबंधित है? तो ये नासा का एक मिशन या नासा का एक प्रोग्राम था। सेक्सेटेंट जो है क्या नापा जाता है? तो इससे नापा जाता है सूर्य से अन्य ग्रहों के मध्य की दूरी को, सेक्सेटेंट के नाम के से नापते हैं। ज्वारीय परिकल्पना या टाइडल हाइपोथेसिस जो है किसने दी थी? ये जीन्स एंड जेफरी के द्वारा दी गई थी टाइडल हाइपोथेसिस। ये सभी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ही सिद्धांत हैं, और ब्रह्मांड से ही उत्पत्ति की जो है ग्रहाणु परिकल्पना, तो ये ग्रहाणु परिकल्पना जो है ये चैम्बरलिन और मॉल्टन के द्वारा दी गई थी। नेबुला थ्योरी ये भी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एक थ्योरी है, ये कॉन्ट और लॉपलॉस के द्वारा दी गई थी। और इसी तरह से अभिनव तारा परिकल्पना, तो अभिनव तारा परिकल्पना ये फ्रेड होयल और लिटलस के द्वारा दी गई थ्योरी थी। अब खगोल शास्त्र पे बहुत सारी प्रसिद्ध किताबें लिखी गई हैं, तो किताबुल हिंद ये खगोल शास्त्र की एक पुस्तक है जिसको लिखा है अलबरूनी कलकत्ता ने। द ब्लैक होल नामक किताब जो है लिखी गई है नोयल बार्बर के द्वारा। ब्रह्मांड की झलकें ये लिखी गई है जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा, जिन्हें जो है अग्रणी माना जाता है ब्लैक होल की खोज में। कॉस्मॉस पुस्तक लिखी गई है हम्बोइस के द्वारा, और द इंटरनेशनल ये एडिंगटन जो है इसको जो है एडिंगटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टार्स के नाम से भी जो है इसको जानते हैं। अब कुछ अवधारणाएं हैं। दूरबीन से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। सूर्य विश्व के केंद्र में स्थित है पृथ्वी का नहीं, यानी सूर्य जो है विश्व का केंद्र है पृथ्वी का नहीं, ये किसने कहा था? ये कॉपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी विश्व का केंद्र है सूर्य नहीं, ये किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। तो जो प्राचीन विचारक थे जितने भी जो है स्पेस के बारे में अपने दार्शनिक मत रखते थे, तो इस तरह से अपने परीक्षणों के आधार पर बताते थे ब्रह्मांड फैल रहा है। यही जो है सबसे आधुनिक विचार है जो एडविन हब्बल ने दिया है, ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत। प्रकाशीय तरंगों का क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? मैक्स प्लांक ने प्रस्तुत की थी। इनके नाम पर जो है प्लांक कांस्टेंट भी है। सबसे पहले प्रकाश का वेग यानी जो इसकी वेलोसिटी है किसने मापा था?
रोमर ने जो है प्रकाश की वेग को मापा था। मेसॉन कहां पर पाया जाता है? मेसॉन जो है ये कॉस्मिक किरण है, या जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, ब्रह्मांडीय किरणों में ये पाया जाता है। क्वासर्स क्या होते हैं? अगर आपने जो है तारामंडल बनने की पूरी प्रक्रिया, यानी एक तारे का जन्म कब होता, कैसे होता है, ब्लैक होल कैसे बनता है, तो जो लोग पीसीएस के लिए पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, तो उसमें ये सब चरण आते हैं। क्वासर्स को जो है क्वार्सी स्टीलर या तारावत रेडियो स्रोत होते हैं। मंदाकिनी जो एक आकाश गंगा है, इसकी आयु कितनी आंकी गई है? लगभग 12 अरब वर्ष जो है मंदाकिनी की, जो आकाश गंगा है, गैलेक्सी है, उसकी आयु नापी गई है। सौरमंडल में सर्वाधिक नजदीक का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सौरमंडल के सर्वाधिक नजदीक का तारा है। ब्लैक होल से ऊर्जा किस माध्यम से निकलती है? एक्स रेज के रूप में ये विसर्जित होती है। किस तारे को संस्कृत भाषा में लुब्धक नाम दिया गया है? तो संस्कृत भाषा में सीरियस को जो है ये लुब्धक कहा जाता है। पुल्सर क्या होते हैं? पुल्सर भी जो है तारे बनने की बीच की एक स्टेज होती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करने वाले तारे होते हैं जिनको पुल्सर कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग जो है 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो ये खगोल भौतिकी में मिला था 1983 में। सौर ज्वाला प्रकट होती है कैसे? तो जो सौर का वर्णमंडल होता है क्रोमोस्फीयर, वहां से सौर ज्वालाएं निकलती हैं। सूर्य का व्यास लगभग कितना है? 13.84 लाख किलोमीटर जो है सूर्य का रेडियस या व्यास है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। इसी वजह जो है से इनको 1983 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज, खगोल भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला था। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सूर्य की सतह के तापमान है। सूर्य में भी तीन जो है बड़ी लेयर्स पाई जाती हैं, तो सबका अलग अलग तापमान होता है, लेकिन सतह की इसमें बात है तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। सूर्य के केंद्र में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? तो सूर्य के केंद्र में जो भी पदार्थ है वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो जो है पृथ्वी की सतह को प्राप्त तथा परावर्तित होने वाला सूर्य तप का अनुपात होता है, यानी अगर जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और वो परावर्तित होती हैं, तो जो जितनी किरणें आ रही हैं, जितना रेडिएशन आ रहा है, जितना परावर्तित हो रहा है, दोनों का जब रेशियो निकाला जाता है, अनुपात निकाला जाता है, उसको एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच निकटतम दूरी जिसको हम उपसौर के नाम से जानते हैं कब होती है? 3 जनवरी को। कुल सूर्य तप का कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो जो कुल सूर्य तप होता है उसका एक्चुअल में जो है 51% भाग जो है पृथ्वी को प्राप्त होता है, जिसको पृथ्वी का ऊष्मा बजट भी कहा जाता है। बाकी परावर्तित हो जाता है, कुछ रस्ते में ही अवशोषित हो जाता है। सूर्य का ताप दुगुना हो जाने पर पृथ्वी पर ऊर्जा की प्राप्ति कितने गुना बढ़ जाएगी? अगर सूर्य का ताप दुगुना हो जाएगा तो पृथ्वी पर ऊर्जा 16 गुना जो है ज़्यादा प्राप्त होने लगेगी। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अगर कोई भी ग्रह है उसकी सूर्य से जो अधिकतम दूरी होगी वो अपसौर कहलाती है, यानी एपिहीलियन कहलाती है। अंतरिक्ष में उठने वाले तापमान का मापन कैसे करते हैं? कैरानोग्राफ के द्वारा जो है अंतरिक्ष में उठने वाले तापमान का मापन करते हैं। सूर्य की अनुमानित आयु क्या है? सूर्य की अनुमानित आयु है 10 अरब वर्ष। सूर्य से प्रकाश जो है कितने समय में पृथ्वी पर आता है? तो लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का वक्त लगता है।
महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित है, जो कि जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा 1894-96 में प्रतिपादित किया गया था, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन के रूप में देखा। आकाशगंगा या मिल्की वे जो है ये किस तरह की गैलेक्सी है, तो ये सर्पिलाकार या स्पाइरल जो है एक गैलेक्सी है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। तारे का जो रंग होता है वो उसके बारे में क्या जानकारी देता है, तारे का रंग उस तारे के तापमान की या उसके टेम्परेचर के बारे में जानकारी देता है। रंग जितना चटकीला होगा इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि तारे का जो है तापमान बहुत ज्यादा है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है, ब्लैक होल। जब तारे जो है समाप्त होते हैं तो वो ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर के द्वारा किया, जो हमने पहले बात की। एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व जिसमें दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी वहां से बचकर नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए आज तक जो है ब्लैक होल की फोटो भी नहीं खींची जा सकी थी, क्योंकि वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है। लेकिन अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत चर्चित रही वो तस्वीर, जो पहली बार जो है एक ब्लैक होल की तस्वीर खींची गई है। ब्लैक होल का घनत्व कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी या बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी थी। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल कुल हैं जो ज्ञात हैं। बाकी नई नई खोजें होती रहती हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक डाटा अभी तक बुक्स में है वो 88 ही लिखा हुआ है। खगोलीय वस्तु उसमें से कौन सी है, तो पल्सर, भंगुर त्वारा और क्वासर्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हैं। अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता है, तो ब्रिटल स्टार जो है अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र, या उसको हम तारामंडल के नाम से जानते हैं। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा पहली बार भेजे गए तारे की सतह की तस्वीर किस तारे की थी, तो सबसे पहले जो हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप था उसने बीटलग्यूस की तस्वीर भेजी थी 1995 में। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति का प्रेक्षण क्या होता है, तो वो आकाश स्याह काला है अगर वो देखता है और तारे टिमटिमाते नहीं है। ये दो चीजें उसको दिखाई देती हैं जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अंतरिक्ष में कहीं भी है, चाहे वो किसी उपग्रह में बैठा हुआ हो चाहे किसी यान में बैठा हुआ हो। आकाशीय पिंडों के मध्य दूरी नापने की इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है, 9.461 × 10^12 किलोमीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वो कहाँ पर स्थित होता है, तो अगर प्रेक्षक को लंबवत उठते देखता है तो इसका मतलब वो विषुवत रेखा पर है। तारामंडल जिसके तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन सा तारामंडल है, सप्तर्षी तारामंडल। अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित इनमें से क्या नहीं है, तो बाइट जो है ये अंतरिक्ष शब्दावली का शब्द नहीं है, ये कंप्यूटर की शब्दावली है। सौरमंडल का भाग क्या नहीं है, तो निहारिका या नेबुला, ये सौरमंडल का अपने सौरमंडल का भाग नहीं है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, ये किसने कहा था, ये कॉपरनिकस ने कहा था। सौरमंडल में सर्वाधिक माध्य घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज्यादा माध्य घनत्व सौरमंडल में किसका है, पृथ्वी का है, 5.515 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका ग्रह है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति और शनि, ये मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है। सूर्य में बढ़ते दूरी के क्रम में ग्रह क्या है, तो अगर बढ़ती दूरी की बात की जाए तो सूर्य के सबसे पास जो है कौन सा ग्रह हो गया,
बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है क्रम हो गया। प्रायः जो है इस क्रम पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य और पृथ्वी, आप यहीं से देख सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी, इसके बीच कौन कौन से ग्रह हैं? बुध और शुक्र। पृथ्वी कहां पर स्थित है? पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल, तो शुक्र इधर और मंगल उधर, पृथ्वी उसके बीच में स्थित है। ग्रहों के बारे में सत्य कथन क्या है? तो ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, मतलब इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, फिर भी ये चमकते रहते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बुध है, जिसको हम मरकरी कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसको हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, जिसको हम हिंदी में वरुण कहते हैं। सूर्य से दूसरे स्थान पर, तो सूर्य के बाद दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर बुध है और दूसरे स्थान पर कौन सा हो गया? शुक्र हो गया। सूर्य से निकटतम दूरी पर यानी पहले स्थान पर कौन सा हो गया? बुध हो गया। सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। मंदतम गति वाला यानी सबसे धीमी गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। अब अगर आकार के हिसाब से यानी साइज के हिसाब से ग्रहों को उनका घटता क्रम में लगाएं तो सबसे बड़ा साइज किसका है? बृहस्पति का, जुपिटर का, फिर सैटर्न, शनि का, फिर उसके बाद अरुण का, उसके बाद वरुण का, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और बुध। यानी ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार के आधार पर? बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसे ये भारी मात्रा में किस ग्रह पर पाई जाती हैं? तो ये बृहस्पति, शनि और मंगल, तीनों पर ही जो है ये गैसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। भूपृष्ठ के ऊपर वसने योग्य मंडल की सीमाएं क्या कहलाती हैं? तो भूपृष्ठ के ऊपर अगर कहीं भी जो है बसने की संभावनाएं हैं तो उसको जो है यानी पृथ्वी के बाहर कहीं भी अगर बसने की कोई भी गुंजाइश है तो उस जोन को गोल्डी लॉक्स जोन के नाम से जानते हैं। सूर्य के केंद्र में अवस्थित पदार्थ कौन सा है? तो गैस एवं प्लाज्मा के रूप में जो भी पदार्थ होता है, खासकर हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है। सूर्य की ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन के द्वारा जो है इसको ऊर्जा प्राप्त होती है। डायमंड रिंग या हीरक वलय की स्थिति कब आती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय केवल पूर्णतया पथचिन्ह के परिधि क्षेत्रों पर इसको देखा जाता है। तो ये आप लोगों ने फोटो देखा होगा, बिल्कुल हीरे की अंगूठी जैसा वो बन जाता है। प्रतिपदा या अमावस्या को ही होता है? तो सूर्य ग्रहण या तो प्रतिपदा को होता है, जो जो है चंद्र मास का पहला दिन होता है। आगे देखते हैं, एक कथन दिया हुआ है, केवल सीमित भूभाग क्षेत्र में ही दिखता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। तो ये किस घटना के बारे में कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है खग्रास के बारे में, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य का प्रभा मंडल यानी कोरोना, जो उसका जो है सबसे बाहरी जो है चमकने वाला पोर्शन है, पछाव मेघों के हिम स्फटिकों के प्रकाश में अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कोरोना के पीछे कौन सी जो है प्रकाश की घटना है, तो आपको क्या बताना है कि ये जो है प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। एक खगोलीय एकक यानी वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है? तो पृथ्वी से जो सूर्य की औसत दूरी होती है वो एक खगोलीय एकक होती है, और इसी दूरी से जो है हम अन्य ग्रहों की दूरी के बारे में बताते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी? 149.598 × 10^6 किलोमीटर, ये इसकी दूरी हो गई एक खगोलीय एकक की। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी यानी एवरेज, क्योंकि पूरा जो है गोल सर्किल तो है नहीं जहाँ पर चक्कर लगाता है, तो कभी जो है वो दूरी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो औसत दूरी कितनी होती है? 150×10^6 किलोमीटर यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर ये दूरी होती है।
पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? 3 जनवरी को हमने पहले भी पढ़ा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम उपसौर कहते हैं और इंग्लिश में इसको पेरिहीलियन कहते हैं। इसको अच्छे से याद करिएगा क्योंकि इसमें बहुत उपसौर अपसौर में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। तो सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होता है। यहाँ पर एक ये भी सोचने वाली बात है कि जब निकटतम दूरी पे होता है तो उस समय गर्मी होनी चाहिए, लेकिन ये ठंडी यानी 3 जनवरी को ऐसा होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है कभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 जनवरी आप याद रखिएगा कि निकटतम दूरी होती है और इस समय दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर जो है ये जो है दोनों के बीच की दूरी होती है। अब उसके उल्टा बात करते हैं, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को होती है। तो अधिकतम दूरी पर जब होना चाहिए तो ठंडी का मौसम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? गर्मी, यानी 4 जुलाई। तो इस तरह से भी आप रखते हैं 15.2 करोड़ किलोमीटर, इसको अपहीलियन कहते हैं और हिंदी में इसको अपसौर कहते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, क्योंकि वो सबसे नज़दीक का है। ये 88 दिनों में जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। सौरमंडल के 2 ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति यानी ब्राइटनेस क्या निर्धारित करता है? तो किसी पिंड का जो एल्बिडो होता है वही उसकी ब्राइटनेस निर्धारित करता है। यानी वो जो प्रकाश उसके ऊपर उसके सरफेस पे पड़ रहा है उसमें से कितना परसेंट वो वापस भेज रहा है, इसका जो अनुपात होता है वो एल्बिडो होता है। और एल्बिडो अगर अधिक है तो उसका जो है उसकी जो है चमक ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है, क्योंकि इसका वायुमंडल जो है इस प्रकार का है, बिल्कुल आयनीकृत वायुमंडल है। भोर का तारा एवं सांझ का तारा, ये किसके लिए यूज होता है? ये शुक्र ग्रह को कहते हैं यानी वीनस को। पृथ्वी की जुड़वा बहन की संज्ञा किसको दी जाती है? शुक्र को। क्यों दी जाती है? क्योंकि आकार और भार में ये पृथ्वी के लगभग बराबर होता है। मैगलन अंतरिक्ष यान ये शुक्र पर भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1989 पर। सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले ये बताया था अरस्तु ने कि पृथ्वी गोल है। उससे पहले जो है कुछ लोग चपटी कहते थे, कुछ लोग और कहते थे, कई सारी जो है थ्योरीज थी। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसको ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी का औसत व्यास क्या है? लगभग 2800 किलोमीटर। विषुवत रेखीय व्यास इसका 12756 किलोमीटर और ध्रुवी यानी अगर पोलर जो है रेडियस देखें तो 12714 किलोमीटर है। यानी 2800 औसत हो गया और विषुवत रेखा पर 12756 और ध्रुवी व्यास जो है 12714 किलोमीटर है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी जो आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर यानी उसका आउटर कोर कैसा है? तो उसका जो अभ्यंतर है वो श्यान द्रव यानी विस्कस लिक्विड के द्वारा चिपचिपे जो है लिक्विड की तरह है। अर्थ क्रस्ट में बहुतायत में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो अर्थ क्रस्ट या भूपरपटी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, 46.71% लगभग। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे समीप तारा सूर्य ही है, सन। पृथ्वी के निकटस्थ ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकट ग्रह पृथ्वी के शुक्र है। सौर दिवस या सौर वर्ष किसे कहते हैं? तो जो हमारा एक वर्ष होता है वही सौर वर्ष होता है। टेक्निकल टर्म में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड, ये जो है उसका पूरा हो गया सौर दिवस का। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में माध्य वेग कितना इसका होता है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको एग्जैक्टली जो है अगर बोला जाए तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये इसका जो है माध्य वेग हो गया। सूर्य का चक्कर लगाने में प्रति मिनट पृथ्वी द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है? 27.83 किलोमीटर ये प्रति मिनट जो है इसके द्वारा दूरी तय की जाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर कितना झुकाव है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 23.5
जो है डिग्री ये झुकाव है। दिन रात होने का प्रमुख कारण क्या होता है? पृथ्वी का भू परिभ्रमण, तो यानी जो पृथ्वी का रिवोल्यूशन है, पृथ्वी का जो है घूमना, इसके कारण दिन रात होता है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होती है, क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर इस दिन जो है लंबवत चमकता है। सौर मंडल सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे दूर है वरुण यानी नेपच्यून। निक्स एवं हाइड्रा किसके उपग्रह हैं? निक्स और हाइड्रा प्लूटो के उपग्रह हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम ने। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ये चंद्रमा पर है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्ण चंद्र दिवस पर। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच निकटतम स्थिति लगभग 364,000 किलोमीटर की जब दूरी होती है उस पर होती है। इस कंडीशन को उपभू कहते हैं, यानी फुल पेरेजी, इंग्लिश में फुल पेरेजी। अर्धचंद्र में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। एक खगोलीय मौसम में तीन के स्थान पर चार पूर्णिमा होने पर तीसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? तो इसी को ब्लू मून कहा जाता है और इस घटना को ब्लू मून परिघटना कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, एक खगोली मौसम में तीन पूर्णिमा होनी चाहिए, लेकिन अगर चार पूर्णिमा हो रही हैं तो ऐसी स्थिति में तीसरी पूर्णिमा को ब्लू मून के नाम से जानते हैं। वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाएगा। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 384,000 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है? 33,600 किलोमीटर। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो जब न्यूनतम दूरी होती है उसको हम पेरेजी कहते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी है 405,500 किलोमीटर और इस कंडीशन को जब अधिकतम दूरी होती है इसको एपोजी कहते हैं। सेलेनी अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में कब भेजा गया था? 2007 में जापान के द्वारा ये भेजा गया था। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो शैल खंड हैं, पत्थर हैं बड़े बड़े, उनको क्या कहते हैं? उनको क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहते हैं और वहीं पर जो है इनकी एक बेल्ट पूरी पाई जाती है। हेलबॉप क्या है? ये एक पुच्छल तारा था, यानी एक कॉमेट था। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु टकराया था किस ग्रह से? बृहस्पति ग्रह से टकराया था 1994 में। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव के अंश क्या कहलाते हैं? तो कोई भी मैटर जो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी की सत उसमें आता है उसको हम उल्का कहते हैं या मेटेरियल कहते हैं। ग्लोब पर जो बृहत वृत्त होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको विषुवत रेखा कहते हैं। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ पर स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का विच्छेदन बिंदु कहाँ होता है? ये अटलांटिक या अंध महासागर में, आपने देखा होगा गिनी की खाड़ी के पास में ये दोनों जो एक दूसरे को काटते हैं। मौसम परिवर्तन का क्या कारण होता है? सूर्य का परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव, ये सभी जो है मौसम परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि की होने की आशंका की संभावना किस स्थान पर ज़्यादा है? 23 डिग्री अक्षांश के आसपास, क्योंकि कर्क और मकर रेखाएं जो है यही लगभग स्थित होती हैं। पृथ्वी का कोर ये किससे बना है? तो पृथ्वी का जो क्रोड है वो उसमें मुख्य तत्व क्या है? लोहा है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ग्रह जिसके दिन का मान और झुकाव पृथ्वी के समान ही होता है, मंगल। मंगल का जो दिन का समय है, दिन का मान है और उसका जो झुकाव है पृथ्वी का समान होता है। मंगल ग्रह पर जीवन के अनुकूल संकेत क्या हैं? वहाँ पर बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति के बारे में संभावनाएं प्रबल हुई हैं। किस ग्रह के उपग्रह पर अनुकूल पर्यावरण के कारण जीवन की संभावनाएं देखी जा रही हैं? यूरोपा। यूरोपा क्या है? ये बृहस्पति का जो है चंद्रमा है, यानी बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है। फीनिक्स मार्स लैंडर,
ये मंगल की सतह पर कब उतरा था, तो फीनिक्स मार्स लैंडर ये 26 मई 2008 को उतरा था। बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किसके द्वारा की गई थी सबसे पहले, गैलीलियो के द्वारा। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 318 गुना ज्यादा है। अपने अक्ष पर सर्वाधिक गति से कौन घूर्णन करता है, तो सबसे ज्यादा जो भारी है वही सबसे ज्यादा तेजी से अपने अक्ष पे घूर्णन करता है, यानी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का वलय जो होता है, जो उसमें बाहर रिंग्स होती हैं, वलय होती, ये किससे बनी होती है, सिलिकेट्स से। सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट्स किसके हैं, बृहस्पति के हैं। कितने हैं, 67 हैं। शनि सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, तो शनि ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर 29.5 वर्ष में लगाता है, यानी ये पृथ्वी के वर्षों में गिना जा रहा है। कैसिनी उपग्रह शनि पर कब भेजा गया था, 15 अक्टूबर 1997 को। शनि ग्रह नेपच्यून से अधिक गर्म है और शनि का तापमान जो है 139 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैसिनी उपग्रह शनि पर कब भेजा गया था, ये 15 अक्टूबर 1997 को। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन की खोज क्रिस्टिया हाइगेंस के द्वारा की गई थी। अरुण या यूरेनस ये सूर्य से काफी दूरी पर स्थित है, तो ये सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 84 वर्षों में। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, नेपच्यून। इसकी सतह का तापमान कितना है, -193 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही तेजी से जो है पूरे जितना भी खगोलकी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले वर्षों में भी पूछे गए हैं, उसका रिवीजन इस वीडियो में किया है। आपको इसके लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो को एक बार फिर से जो है देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट एस्ट्रोनॉमी से पूछे जा सकते थे सब इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।